राजीव त्यागी, आपने कल ट्वीट किया ये नोटिस की खबर सार्वजनिक होने के बाद, उसमें आपने लिखा, मकान से तो निकाल सकते हो लेकिन प्रियंका जी हम भारतीयों के दिलों में बसती हैं, वहां से कैसे निकालोगे? इंदिरा जी भी लोगों के दिल में बसती थी। आगे आपने लिखा, प्रियंका गांधी मेरी नेता है, मुझे उन पर गर्व है। ये बात ठीक है, आपकी तरफ से समझ में आती है, लेकिन मसला यह है कि इसमें मकान खाली कराए जाने का दर्द भी साफ साफ झलकता है, भले आप इस बात को दावा करना चाहते हो कि वो दिलों में बसती हैं। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कब जाएगा कि क्योंकि वो राजीव गांधी की बेटी और इंदिरा गांधी की पोती हैं, जैसा रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे थे, इसलिए वो मकान उनको मिला रहना चाहिए था। नहीं देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली, ये खतरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली, तू परेशान है परेशान मत हो, इन खुदाओं की खुदाई नहीं जाने वाली। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता वो बहुत अहंकार में, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। मैंने अपने मित्र को सुधांशु को बड़े ध्यान से सुना, उन्होंने कहा कि हमें बताना पड़ेगा कि हमें सुरक्षा थ्रेट किससे है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी शासन में है, गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी का है और निश्चित रूप से जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को रिपोर्ट कर रही है? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है बैठ रहे हैं, वो अध्यक्ष के ज्ञान से कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हैं कि वो इस डिबेट की तैयारी ठीक से करके नहीं आए। इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर के जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो अब बताती है कि किसको थ्रेट है किसको थ्रेट नहीं है। दोगली बात करने से फायदा नहीं होगा। आपने कहा आडवाणी जी की जान को खतरा है या मुरली मनोहर जोशी जी की जान को खतरा है, तो क्या प्रियंका गांधी जी की जान को खतरा नहीं? सरकार इस बात को विश्वस्त रूप से कह सकती है? क्या सरकार इस बात को मानती है कि कहीं भी किसी प्रकार से गांधी परिवार के किसी सदस्य को कोई थ्रेट नहीं है? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, यदि सुरक्षा थ्रेट थी अभी तक तो आपने फिर मकान खाली क्यों कराया, और सुरक्षा थ्रेट नहीं है तो आपने इतने दिन मकान में रखा क्यों? ये बहुत स्पष्ट सी बात है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बचानी चाहिए। रही बात तो मैंने ट्वीट किया था, बहुत स्पष्ट कहता हूं, प्रियंका गांधी जन जन की नेता है, वो हमारे दिलों में बसती है, हमारी नेता है और हमें उन पर गर्व है। देखिए, आप मकान खाली करा सकते हो लेकिन देश की जनता आपसे सिंहासन खाली कराएगी। देश की जनता बड़ा माइनोरिटी ये देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादे किए थे अपने चुनाव से पहले, वो कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। विशेष रूप से जिस टाइम देश पूरा चाइना से लड़ रहा है और चाइना के सीमा पे हमारे जांबाज सैनिक शहीद हो रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री महोदय आते हैं और कोरोना की जंग के बारे में बात करने लगते हैं कि जिस चाइना से जो है टेलीविजन का जो एक इम्पैक्ट है वो जाकर के कोरोना की तरफ चले जाए। हालांकि कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है। महंगाई पे प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल पे नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री ना ही बेरोजगारी पे बोलते हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है वो गांधी परिवार पे कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। त्यागी जी, आप खूब चोट पहुंचाइए। आपने जहां से बात शुरू की, आपने बात यहां से शुरू की कि ये सरकार का अहंकार है, लेकिन आपकी बात खत्म होते होते ये महसूस होता है कि आप लोगों का भी अहंकार है कि गांधी परिवार है, इस पे कैसे कार्रवाई कर सकते हो आप कुछ भी? ऐसा नहीं है। गांधी परिवार को किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। आज ही आपने ट्विटर पे बहुत सारी फोटोज देखी होंगी जिसमें प्रियंका गांधी जी बहुत सारे ऐसे लोगों की सेवा कर रही है, बकायदा मदर टेरेसा के आश्रम में, जो कि क्या नाम उसका, जिनको सेवा की जरूरत है। तो सेवा का भाव गांधी परिवार में है। आपने, हमारे मित्र ने जिक्र किया राजीव गांधी जी का, याद करिए रोहित जी, चंद्रशेखर साहब की सरकार ने जिस तरह से राजीव गांधी जी का सिक्योरिटी कवर हटाया था, आपको आपदा में अवसर मिल गया। मैं कंप्लीट कर दूं, जो आरोप आपके ऊपर लगता था कि प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करवा रही है कांग्रेस, अब उनको फुल टाइम पॉलिटिक्स का मौका मिलेगा लखनऊ में रहकर, जहां का जिम्मा दिया गया उनको उत्तर प्रदेश का। देखिए ना, तो प्रियंका, जो भी दर्शक मुझे आज तक के सुन रहे हैं वो बिल्कुल जान ले, ना तो प्रियंका गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो फुल टाइम कह रहा है, उसका पूरा कंसंट्रेट उत्तर प्रदेश की सरकार पे, उत्तर प्रदेश की सरकार के एक्ट पे कर रही हैं। मैं सिर्फ 30 सेकंड और लूंगा। चंद्रशेखर साहब की सरकार ने राजीव गांधी जी की सिक्योरिटी कवर हटाया था, उसके बाद क्या हुआ पूरे देश को पता है। हमने एक सपूत भारत माता का राजीव गांधी के रूप में खो दिया था, वो राजीव गांधी जी जिसने अपने 5 साल में आईटी रेवोल्यूशन से लेकर के ऐसे कार्य काम किए जो कि देश को आज रेवेन्यू दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कल को प्रियंका जी को कुछ हो गया तो क्या सरकार जिम्मेदार लेगी? पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कही थी प्रियंका गांधी इफेक्ट, आप से ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी
वो उस एंटाइटलमेंट का अधिकार रहेगा जिसकी इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू थे या राजीव गांधी थे। बिल्कुल नहीं, ये तो प्रधानमंत्री रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस दिन नेता बनेंगी, जिस दिन सांसद चुन ली जाएंगी, मंत्री बन जाएंगी या कोई ओहदा पा जाएंगी सरकार में, तो वो सारी सुविधाएं अपने आप आ जाएंगी। इसका एक जवाब सुधांशु जी से दिलवा दीजिए कि 2014 में जिस वक्त अमित शाह जी देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद उनको 8 कमरे का बंगला अलॉट किया गया था। ना तो वो सांसद थे, ना अन्य किसी और पद पे थे, संवैधानिक पद पे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।